नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्म का 2018 and 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं 19 आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को नोट कर लेता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ए प्लस बी क्यू प्लस बी प्लस सी क्यू प्लस सी प्लस ए क्यू माइनस 3 ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का 3 ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे मुझे प्रूफ करना है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्रूफ करूंगा। अब इसे करने के लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज करूंगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेरा फॉर्मूला जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है। आप चाहो तो इसको एक्स वाई की फॉर्म में ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको एक्स की फॉर्म में ले लेता हूँ। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक है दोस्तों, ABC की जगह लेने की जगह इसको XY की फॉर्म में ले लिया जाए फॉर्मूले को, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि ABC में क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें कंपेयर करना होगा। देखो X बराबर है X क्यूब बराबर है इसके, तो यानी कुल मिला के X बराबर हमें लेना है A प्लस B को लेना है। ठीक है, X इज बड़ू किसी लेना A प्लस B को। Y क्यूब से क्यूब कैंसिल समझ लो, Y बराबर क्या लेना हमें B प्लस C। ठीक है, और क्यूब से क्यूब कैंसिल मान लो, जेड बराबर क्या लेना है सी प्लस ए लेना मुझे। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दूंगा। ये चीज देखो, ये ए प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब इसके इक्वल है, बी प्लस सी क्यूब वाई क्यूब के इक्वल है, सी प्लस ए जेड क्यूब के इक्वल है। ठीक है, 3 का 3 एक्स की जगह ए प्लस बी दे रखा है, वाई की जगह बी प्लस सी दे रखा है और जेड की जगह सी प्लस ए दे रखा है। तो ये पूरी फॉर्मेशन इस फॉर्मूले की है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में इसको रख देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा, एक्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक्स आ रहा है, एक्स बराबर क्या लेना है ए प्लस बी, फिर वाई आ रहा है, वाई क्या आ रहा है मेरा बी प्लस सी, फिर आ रहा है जेड, जेड बराबर क्या लेना है सी प्लस ए। ठीक है, उसके बाद मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लेना है ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई बराबर क्या लेना है बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर मेरा जेड आ रहा है, जेड की जगह क्या लेना है सी प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स आ रहा है, एक्स की जगह लेना है ए प्लस बी, वाई वाई की जगह लेना है बी प्लस सी, माइनस वाई वाई की जगह लेना है बी प्लस सी, फिर जेड, जेड की जगह लेना है सी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, फिर आ रहा है मेरा जेड, जेड की जगह लेना सी प्लस ए, फिर आ रहा है एक्स, एक्स की जगह लेना ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी इक्वेशन को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली रख दिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। मैंने इसका ये फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने
बी प्लस सी का फॉर्मूला खोला, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में 2bc, इसका फॉर्मूला मैंने ये खोल दिया, ठीक है। अब सी प्लस सी का फॉर्मूला खोलता हूँ, कितना जाएगा, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस का 2ac, ये मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया। खोलने के बाद अब इनको प्रोडक्ट करना है, इसे प्रोडक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको प्रोडक्ट को, ठीक है, और रखूँगा किसमें, ब्रैकेट में, ए को बी के साथ ab, ए को सी के साथ ac, बी को बी के साथ बी स्क्वेयर, बी को सी के साथ प्लस bc, कर दिया। उसके बाद अब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है, बी को सी के साथ bc, बी को ए के साथ ab, सी को सी के साथ सी स्क्वेयर, सी का ए के साथ ac, अब सी का ए के साथ ac, सी का बी के साथ bc, ए का ए के साथ ए स्क्वेयर, ए का बी के साथ ab, ठीक है दोस्तों, खोल दिया मैंने। अब यहाँ थोड़ा फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करने के लिए 1a 1a 2a 1b 1b 2b 1c 1c 2c हो गया, इनको सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों 1a² 1a² 2a² 1b² 1b² 2b², ठीक है, c² 2c² फिर 2ab 2bc और 2ac, जो बाहर वाले थे इनको मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं इन सबके ब्रैकेट ओपन करूंगा दोस्तों, इसके 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 तीनों टर्म के ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो अंदर वालों के सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इतना हो जाएगा माइनस का ab माइनस का ac माइनस का b² माइनस का bc, इसका ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का bc माइनस का ab माइनस का c² माइनस का ac, इसका ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का ac माइनस का bc माइनस का a² माइनस का ab, ठीक है दोस्तों, कर दिया। करने के बाद इन सब में से टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखो दोस्तों, ये 2a² है और a² था ना यहाँ पे, 2a² ऊपर आया था, a² ही रहा लास्ट में ही रहा, 2a² में से 1a² गया, कितना बचेगा 1a², ये वाला इसके साथ माइनस हो गया, 2b² में से 1b² गया, कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, 1b² बचेगा, 2c² में से 1c² जाएगा, कितना बचेगा 1c², ठीक है दोस्तों। देखो 2ab माइनस का ab और माइनस का ab, ठीक है दोस्तों, माइनस का 1ab माइनस का 1ab माइनस का 2ab और यहाँ प्लस का 2ab, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 2bc एक bc ये रहा, दूसरा bc ये रहा, माइनस के 2bc हैं, ये प्लस वाले bc को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और सॉरी ये प्लस का है, प्लस का 2ac माइनस का 1ac माइनस का 1ac, ये इसे कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या हमारे पास, बचा मेरे पास ac माइनस bc और माइनस का ab, ठीक है दोस्तों। अब ये जो चीज है, ये देखो मैंने ऊपर फॉर्मूले में पहले लिख दी थी, देखो ध्यान से, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 2 का 2 एज इट इज रहने दो, और इस पूरे फॉर्मूले की जगह लिख देंगे aq bq cq माइनस का 3abc, और क्वेश्चन में मुझे यही प्रूफ करना था दोस्तों। देखो 2aq aq bq cq माइनस का 3abc, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 के और पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20 के और पार्ट पे। तो दोस्तों मेरा ये है माइनस का 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब,
बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है, इसका और पार्ट है ये। तो मेरे एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल होता है 3abc के, लेकिन ये एक कंडीशन पे अप्लाई होता, कब, जब a प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो, जीरो हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a की जगह रखा माइनस 12, b की जगह रखा मैंने 7, c की जगह रखा मैंने 5, तीनों का सम करा, देखो माइनस 12 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 से 12 कैंसिल कितना आ गया जीरो, यानी तीनों का सम जीरो आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखा जा सकता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc के, ए बी सी, तो मैं रखूंगा माइनस का 12 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ए की जगह आएगा कितना माइनस 12, बी की जगह आएगा 7 और इसकी जगह आएगा 5, 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, बीच में निशानी तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो ये मेरा आंसर आएगा माइनस का 12 60, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। 21 में बोला गया है 2y माइनस एक्स 7, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का मैंने आपको बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताया है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, 2y x की जगह रखा जीरो मैंने 7, 2y इज इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड दे तो मेरा आंसर आ गया 3.5, तो यहां रख दिया मैंने 3.5, ठीक है। उसके बाद मैंने y बराबर क्या रखा, जीरो, ठीक है दोस्तों, y बराबर जीरो रखा माइनस का x इज इक्वल टू 7, ये तो मल्टीप्लाई होती खत्म हो गया, माइनस का x इज इक्वल टू 7, ये माइनस में उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो बोले इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे, तो ग्राफ पे भी करते थे इसको, तो मेरा आ रहा है ये 1 2 3, आपको इसे पेंसिल से बनाना है बट मैं आपको समझाने के लिए इसी पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस का 7, ठीक है, ये मेरी हो जाएगी x एक्सिस, ये हो जाएगी मेरी y एक्सिस। देखो x तो 0 है, y 3.5 है, 3 ये रहा 3.5 यहाँ जाएगा, ठीक है, x है माइनस का 7.0, तो माइनस का 7.0 यहाँ पर आ जाएगा, दो पॉइंट आ गए, दोनों को पास कर दो लाइन से, तो ये मेरा हो जाएगा 2y माइनस का x इज इक्वल टू 7, इसको नाम मैं दे दूंगा a 0 3.5, इसको नाम दे दूंगा मैं b माइनस 7 एंड 0, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 21। ग्राफ में रिप्रेजेंट, ग्राफ में रिप्रेजेंट मैंने कर दिया, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों जरूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइज अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आगे के सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में डालूंगा, ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, थैंक यू।